झारखंड का गढ़वा जो भुखमरी, पलायन और बेरोजगारी वाले ज़िले के रूप में शुमार होता है, जहां पर रोज़गार नहीं मिलने की सूरत में यहां के मज़दूर सुदूर प्रदेशों में पलायन कर जाते हैं। तभी तो जब इस लॉकडाउन के तहत मज़दूरों को बाहर से लाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब से लेकर अब तक मज़दूरों का इस ज़िले में आना अनवरत जारी है। मज़दूर जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं, उनका स्क्रीनिंग हो रहा है, जांच हो रहा है, उसके उपरांत जो मज़दूर रेड जोन से आ रहे हैं, यानी सुदूर प्रदेश में जो रेड जोन इलाका है वहां से आ रहे हैं, तो उन्हें सरकारी क्वारंटीन सेंटर जो है प्रशासनिक स्तर पर वहां रखा जा रहा है, और जो रेड जोन से इतर आ रहे हैं उन्हें घर भेजा जा रहा है, यानी होम क्वारंटीन को भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर जो प्रशासनिक स्तर पर क्वारंटीन के लिए जैसे यहाँ से उन्हें हिदायत की जाती है जाने के लिए, तो उनके मन में शुरुआत में भ्रम था कि हम प्रशासनिक स्तर पर जो व्यवस्था किया गया है सेंटर का वहाँ जा रहे हैं, बाकी लोग हमारे साथ ही घर को लौट रहे हैं, तो वह घर पर परिवार के साथ रहेंगे, भले वह अकेले रहें तो अच्छा अच्छा खाना उन्हें नसीब होगा, हम प्रशासनिक स्तर पर जा रहे हैं, व्यवस्था जो है वहाँ पर कैसी व्यवस्था होगी, खाने को मिलेगा कि नहीं, ससमय हमारी व्यवस्था होगी कि नहीं, ऐसा भ्रम था। लोगों का भ्रम तब दूर हुआ जब वो सेंटर पर पहुँचे, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ उन्हें मिली। हम बानगी के तौर पर अगर बात करें तो सगमा प्रखंड इसी ज़िले का है, वहाँ का बिरबल पंचायत में जो उत्क्रमित विद्यालय में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, वहाँ की अगर हम बात करें उदाहरण के रूप में, तो वहाँ पर सारी सुविधाएं दी गई हैं। ज़िले के जो उपायुक्त हैं हर्ष मंगला, उनके द्वारा जो निर्देश प्राप्त है अधिकारियों को, चाहे उनको अधीनस्थ था अधिकारी SDO हों, BDO हों, और जो पंचायत के प्रतिनिधि यानी मुखिया हैं, सभी को निर्देश प्राप्त है कि क्वारंटाइन सेंटर जो आपका है प्रशासनिक स्तर पर, वहाँ सारी व्यवस्थाएं आपको करनी है। तभी तो क्वारंटाइन सेंटर पर सारी व्यवस्थाएं उनके द्वारा की गई हैं, वहाँ पर जो मजदूर रखे गए हैं सेंटर पर उन्हें हर तरह के खाने उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो शाकाहारी खाते हैं उन्हें शाकाहारी, जो मांसाहारी खाते हैं उन्हें मांसाहारी तक की व्यवस्था की गई है, सप्ताह में कुछ दिन मेन्यू के अनुसार उन्हें भोजन दिया जाता है। साथ ही अभी कुछ दिन पहले ईद गुजरा है, ईद में प्रशासन के तरफ से ईदी भी दी गई, यानी उन्हें अच्छे अच्छे पकवान भोजन की व्यवस्था की गई, मांसाहारी खाने की व्यवस्था की गई, शाकाहारी खाने की व्यवस्था की गई, खीर पूरी तक बने हुए थे। तो इस तरह प्रशासनिक क्वारंटाइन सेंटर पर सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं प्रशासन द्वारा। उनकी जो लोग वहाँ रहने जा रहे थे उनका शुरुआत में जो भ्रम था, वो भ्रम जब वहाँ पहुँचे, उन्हें सारी व्यवस्थाएँ देखी, उन्हें मिले खाने को, तो उनका भ्रम सारा दूर हो गया। आप देख सकते हैं हमारे जो वीडियो चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं किस तरह सेंटर पर जो खाना बनाने वाले हैं लोग हैं उनके द्वारा अंडा बनाया जा रहा है। तो इस तरह से लगातार मेन्यू के अनुसार खाना दिया जाता है, मजदूर इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं, उनके द्वारा बताया भी जा रहा है कि हमें इस तरह से खाना दिया जाता है, शाकाहारी खाना भी हमें मिलता है, मांसाहारी खाना भी मिलता है, तो हमारे लिए सारी सुविधाएँ यहाँ पर मौजूद हैं, मिलता है, व्यवस्था सही है, हर चीज़ सही मिल रहा है। क्या क्या भोजन में मिलता है? भोजन में मिलता है अंडा, चावल और सब्जी, और दाल भी मिलता है, भुजिया भी मिलता है, करेला के भी भुजिया मिलता है, हर चीज़ मतलब भोजन में सही है, हम लोग संतुष्ट। और सारा व्यवस्था से? और व्यवस्था साबुन मिला है और मोर्टीन मिला है मच्छर के लिए, लाइट वगैरह व्यवस्था होता है? हाँ, लाइट आउट हर चीज़ व्यवस्था सही है। खाना दाल चावल सब्जी मिलता है, भिंडी का भुजिया भी मिलता है, अंडा वंडा भी बनता है और मुर्गा भी बनता है। संतुष्ट हैं आप यहाँ के भोजन से? संतुष्ट हैं। व्यवस्था कैसा है यहाँ पर? अच्छा व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। कितना दिन से हैं आप यहाँ पे? आज 14 दिन हो गया। 14 दिन आपका हो गया। क्या नाम हुआ? मेरा जुबेर अंसारी नाम है। और साथ ही जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके अनुसार भी कहा द्वारा भी कहा जा रहा है तो यहाँ कि हमारे द्वारा जहाँ तक बन पाया है प्रशासन के जो निर्देश प्राप्त है हमें उसके अनुसार हम यहाँ पर लोगों को भोजन उपलब्ध कराते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं, सरकार के दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं। और जो है शाम का भी जो है हम लोग जो भोजन में कभी कभी
चिकन का भी व्यवस्था करते हैं। जो यहाँ पे हमारे प्रवासी मजदूर की मांग होती है, हमको जो बन रहा है हम कर रहे हैं। तो इस तरह से क्वारंटाइन सेंटर जो है प्रशासन स्तर पर जो बनाया गया है, बात आई थी बीच में कि सेंटर पर कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर लोग रहना नहीं चाह रहे हैं, उन्हें खाना नहीं मिलता है, लेकिन यह सारी बातें अफवाह थी, गलत थी, भ्रम फैलाया जा रहा था, बिल्कुल निराधार बातें थी। कहीं कहीं गलत हो सकता है, ऐसी बात लापरवाही बरती गई हो, लेकिन उपायुक्त द्वारा लगातार शुरुआत से ही सख्ती बरती गई यहाँ क्वारंटाइन सेंटर को लेकर के, हर जगह खाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। आप खुद SDO की बात भी सुन लीजिए, SDO जो है बंशीधरनगर अनुमंडल के कमलेश्वर नारायण, उनका भी कहना है कि जो निर्देश प्राप्त है उपायुक्त द्वारा उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं की गई हैं क्वारंटाइन सेंटर पर, खाना से लेकर के रहने से लेकर के किसी चीज़ की उन्हें दिक्कत न हो, परेशानी न हो, वो अच्छे तरीके से रहें, पौष्टिक भोजन करें, सकारात्मक माहौल में रहें, संक्रमण से बचते हुए रहें, इस निमित्त सारी व्यवस्थाएँ उन्हें दी जा रही हैं लगातार शुरुआत से ही। प्रवासी मजदूर जो हमारे यहाँ आ रहे हैं और जो रेड जोन से हैं, उन सभी को गवर्नमेंट क्वारंटाइन में रखने का निर्देश प्राप्त है, और साथ ही इन लोगों को मूलभूत सुविधाओं के साथ उसमें रखना है, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, इसकी लगातार मॉनिटरिंग सभी स्तरों से की जाती है। तो भाई महोदय भी स्वयं घूम घूम कर क्वारंटाइन सेंटर्स को देख रहे हैं। सरकार के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों के भोजन के संबंध में 60 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से आवंटन की व्यवस्था की गई है। उसी के आलोक में सभी मुखिया जी लोग या सभी BDO साहब लोगों ने अपने स्तर से गुणवत्तापूर्ण भोजन देने की व्यवस्था किया है, और ईद के अवसर पर विशेष भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। कहीं कहीं पर लोगों ने नॉन वेज और कहीं पर लोगों ने खीर पूड़ी इत्यादि का भी वितरण किया है। तो प्रयास हमारा यही है कि जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं, गुणवत्तायुक्त और स्वास्थ्यवर्धक भोजन प्राप्त। तो इस तरह क्वारंटाइन सेंटर के बारे में जो आपके मन में भी भ्रम था कि वहाँ सेंटर पर कोई व्यवस्था नहीं है, तो भ्रम पूरी तरह से दूर कर लीजिए इस खबर के बाद कि सेंटर पर सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। लेकिन इतना साथ ही हम कहना यह चाहेंगे कि अभी भी लॉकडाउन है, भले शर्तों के साथ लॉकडाउन 5 शुरू होने जा रहा है, लेकिन अभी भी आपको उसी तरह संयम में रहना है, हिदायत के अनुसार ही चलना है, क्योंकि संक्रमण के जद में आप अभी भी आ सकते हैं। इसलिए इस बात को पूरी तरह गांठ बांध लें, क्योंकि संक्रमण से बचाव तभी है जब आप भीड़ में नहीं जाएंगे, अकारण सड़कों पर नहीं जाएंगे, तभी आप संक्रमण के जद में आने से बच पाएंगे।